हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है हैदराबादी चिकन मलाई करी। मेरी जो पुरानी चैनल हैक हो गई है, मैंने उसमें हैदराबादी एग मलाई करी की रेसिपी शेयर किया था। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स, लाइक और व्यूज़ भी आए थे। यहाँ पे हैदराबादी चिकन मलाई करी शेयर करने जा रहा हूँ, तो मैं उसे नुरुल, चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 पीस प्याज लिया हुआ है, मीडियम साइज़ के प्याज हैं, आप वो ले लें। लेने के बाद इसको रफली कट कर दें। रफली कट करने के बाद में आपको मिक्सी का जार लेना है, उसमें डाल लेना है। आपको लेना है हरी मिर्च 8 से 10 पीस, वो भी इसमें डाल लेना है। और लेना है एक बंच पुदीने के, उसको रफली कट करके उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद में आपको थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, उसके बाद में इसको पेस्ट कर लेना है। और आपने जो एक पीस प्याज बचा होगा उसको आपको थोड़ा सा पतला जुलियन कट करना है, ताकि हम जब लगन में पकाएं उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लें। ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको पेस्ट कर लेना है। जैसे ही आपका पेस्ट हुआ था, आप एक बॉल में निकाल के रख लीजिए। उसके बाद लेना है 1/2 किलो कटा हुआ चिकन, और उसे पानी में अच्छी तरह धो लेना है। फिर आपको लेना है हंडी या लगन, उसमें डालना है तेल, और लौंग डालना है 4 पीस। हल्का सा गर्म हो जाए तब डालना है सिनेमन स्टिक 1 पीस और काली मिर्च 4 पीस। 4 पीस इलायची और 2 पीस तेजपत्ते के डालना है। आपका जो लौंग है, ऐसे पटपट जब ऑयल में होएगा ना, तो उसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। फिर उसके बाद में आपने जो प्याज कटा हुआ रखा होगा उसमें डाल लें, हल्का सा ब्राउन करें, और उसमें डाल लें अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे 2 से 3 मिनट तक भूनने दें। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, आपको लगेगा कि आपका अदरक लहसुन भून गया है, उसमें फिर डाल लें आपने जो चिकन कटा हुआ रखा है वो डाल लेना है। और इमीडिएटली आपको उस पर ही नमक डाल देना है, ताकि नमक चिकन के अंदर तक घुसे। और इसको स्लो फ्लेम में थोड़ी देर भूनना है। फिर मसाले डालना है, हल्दी 1/2 स्पून से भी कम, धनिया पाउडर 1/2 स्पून और जीरा पाउडर 1/2 स्पून। डालने के बाद में आप इसको भून लें। जैसे ही हल्का भून जाता है उसमें डाल लेना है आपने जो प्याज मिर्ची पुदीने का पेस्ट किया हुआ था, वो सारा डाल लेना है। डालने के बाद में इसको थोड़ी देर हाई फ्लेम में पकने देना है, और उसके बाद में स्लो फ्लेम करके ढक्कन 10 मिनट के लिए लगा लेना है। फिर उसके बाद में भूनना है। जैसे ही आपका ग्रेवी सूखने लगे, ड्राई होने लगे, आपको लेना है दही 100 ग्राम, और उसे अच्छी तरह विस्क से फेंट देना है, ताकि आपका दही ना फटे। और उसको मिक्स कर लेना है, थोड़ा हाई फ्लेम में इसको भून लेना है। जैसे ही दही सूख जाता है, मसालों के साथ भून जाता है, उसके बाद आपको लेना है दूध डाल लेना है। अगर आप इमीडिएटली डालेंगे दही के साथ दूध, तो आपका जो ग्रेवी है वो इतना स्मूथ नहीं बनेगा, और आपका जो ग्रेवी है वो दरदरा बन जाएगा। मैंने यहाँ पे 300 ml मिल्क लिया हुआ है, वो डालना है। बहुत ज़्यादा मिल्क भी नहीं डालना है, नहीं तो इसका कलर भी चेंज हो सकता है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो सकता है, और उसके टेस्ट पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट आ सकता है। तो आपको इस तरीके से लेना है और बनाना है, और मिल्क को आपको सबसे लास्ट में डालना है। डालने के बाद में जैसे ही आपका जो ग्रेवी है हल्का सा सूखने लगे, तो आपको लेना है इलायची पाउडर 1/2 स्पून से भी कम, और जावित्री पाउडर 1/2 स्पून से भी कम, हल्का सा गरम मसाला, ये सारा डाल लेना है। डालने के बाद में अगर आप चाहें तो क्रीम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, इसकी रिचनेस और जो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद आपको लेना है खूब सारा धनिया पत्ता, वो डाल लेना है, क्योंकि ग्रीन है धनिया पत्ता उतना दिखेगा नहीं, और धनिया पत्ता का जो खुशबू है वो भी अच्छा आएगा इस पर। तो उसके बाद में आपको टेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी।